बाबा जी आवा रहे देखो गाओ लास्ट बार देख लो अभी हाल फिलहाल। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और पापा जी बस अभी तैयार होकर ऊपर गांव में गए हैं, तो अभी आएंगे। हम जाएंगे आज 10:30 वाली गाड़ी में। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला गांव सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा ना मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं भी पता चला होगा तो पता चल ही जाएगा लास्ट में है ना। फिर से बाय बाय गाँव को। मेरा बैग ऐसे ठसम ठस भरा हुआ है ना, अभी इतना भारी हो रहा है वो, क्योंकि उसमें माल्टे वाल्टे भरे पड़े। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं ना, क्योंकि मैं थोड़ा एक आधा सामान ऐसे लपेट लेती हूँ और ठीक है। बाय बाय। वही रामनगर टाटा किरण कहाँ गया? अच्छा चलो मेरा बैग देखना फिर से फुल भरा हुआ है, फुल इतना भारी हो रहा है। चलो भाई हम चल दिए अब रामनगर की तरफ, मतलब वही पीरू मदार मामी के यहाँ। मामी को अभी तक हमने फ़ोन भी नहीं किया है कि हम लोग आ रहे, सरप्राइज ही होगा। वैसे तो मामी को पता है कि हम लोग संडे तक आ ही जाएंगे, पर फिर भी ये रहा मेरा गांव लास्ट बार देख लो अभी हाल फिलहाल। अब पता नहीं कितने दिन जाती मैं, एक आध दिन में ज़्यादा नहीं रुकूँगी, एक आध दिन में जैसा जैसा होगा है ना। चलो फिर मैं अकेले अकेले आती, दो और आ गए। क्या करना था? दो तीन और लाद देते आगे से भी, सिर पे भी। अरे यार बहुत भारी हो रहा है। लग गई पुनीत की ड्यूटी फिर से। चलो टाटा बाय बाय। पापा जी मेरे से पहले ही आ गए थे। पापा जी आवा रहे देखो, अभी से बैग इतना भारी हो गया, बाप रे। तो बस अब हम लोग बस का वेट करते हैं। यहाँ पे ये है हमारा बस स्टॉप। 10:10 तो बज गई है, 10:30 वाली में जाएंगे हम लोग। एक चाचा जी आ रहे हैं हमारे साथ, वो लोग बैस उजार के क्या पता सीट लेके आ जाए, क्योंकि आजकल गांव में शादियाँ हो रही है, किसी की पूजा हो रही है, तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो आजकल बस भर के ही जाती है। तो देखते हैं ना, वरना और टाइम खाली जाती है बस। तो हम यहाँ पे बड़ी देर से वेट कर रहे हैं और हमें अभी अभी पता चला है कि 10 वाली आज बस ही नहीं है, 10:30 वाली। तो जो चाचा जी वहाँ सीट लेने के लिए गए थे, बैजरो गए थे जो सीधा, वो भी वहीं पे ही है। अभी देख रहे हैं क्या पता अगर कोई टैक्सी वगैरह जा रही होगी तो, पर कोई टैक्सी भी नहीं जा रही। अब हम पैदल भी नहीं जा सकते। पहले पुराना टाइम होता था ना, जब 1 किलो चीनी के लिए और 1 किलो गुड़ लेने के लिए लोग मतलब गांव से रामनगर तक पैदल जाते थे, मतलब 3-4 दिन उनको जाने में लगते थे, 3-4 दिन आने में लगते थे, तब तो फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे। और अब हम नहीं जा सकते था, मतलब बहुत टाइम पहले, मतलब जब मेरे नाना जीरो का टाइम था, मेरे नाना जीरो भी पैदल जाते थे, तो उस टाइम पर कैसा रहा होगा। और अभी देखो हम लोग बस का यहाँ पर इतनी देर से वेट कर रहे हैं, बस नहीं जा रही, तो हम पैदल भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये पुराना टाइम तो है नहीं और इतनी वो नहीं है हमारे अंदर अभी हाल फिलहाल। मैं तो चल जाऊँगी, क्योंकि मुझे गाड़ी से ज़्यादा अच्छा पैदल लगता है जाना। इंतज़ार करते करते मेरा पेट दर्द हो गया। ऐसे ही होता है, पर कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं है, अभी वेट करते हैं, वेट देखते हैं क्या होता है ना। एक अच्छा सा कैप्शन पढ़ाती हूँ, मेरी छोड़ अपनी सोच। सही बात है। तो अभी हमको
रामनगर वाली बस तो नहीं मिली है, पर एक बस आ रही है जो धुमाकोट तक जाती है, फिर धुमाकोट से चेंज करनी पड़ेगी वहाँ से हमको, तब देखते हैं ना। पहले हम सोच रहे थे कि आज रहने ही देते, बट अब चल ही लेते आगे। तो ये देखो बस में कौन मिल गई मेरे को, अरूप मैडम सुबह सुबह डॉक्टर के पास जा रही है। चले हम, आज सारी विंडो सीट रिजर्व है भाई, एक विंडो सीट नहीं है। धुमाकोट से निकल चुके हैं बड़ी देर बाद, एक घंटे वेट करने के बाद। जड़ाऊ खान पहुंच रहे हम, 5 बज गई, रामनगर पहुंच गए हम, सामान निकालते हैं। तो हमने यहां से ऑटो ले लिया। ऑटो पापा जी पिछली बार यहां से जूते लेके गए थे ना, तो एक छोटा बड़ा हो गया वो सीन कुछ, तो अभी रिटर्न कर रहे हैं यहां पे। अभी मैं दिखाती मेरे बैग में चीजी, दिखाती मैं। एक खोपड़ा। तो भाई ऐसा है कि अभी तो मतलब वहां से आने के बाद हम बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि मैंने तो आज सिर्फ 2 ही बार अपनी आंखें खोली थी, एक दीवा माता के मंदिर में जहाँ पे टीका लगाते हैं, और एक सीधा धुमाकोट में जब हम लोग बस चेंज कर रहे थे, क्योंकि जो बस थी वो सिर्फ धुमाकोट तक जानी थी, और वैसे भी वो बाराती वाली बस थी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो बारात वारात के लिए कुछ जा रही थी, कुछ ऐसी थी। तो और उसके बाद फिर हमने धुमाकोट से रामनगर की बस चेंज करी, मतलब 1 बजे पहुंच गए थे हम धुमाकोट, 2 बजे वहां से बस निकले, 1 घंटा। पहले तो मुझे खिड़की वाली सीट नहीं मिली वहीं से पुल से अपने, तो मेरा वैसे ही सर दर्द हो गया था। धुमाकोट से जाके मेरे को खिड़की वाली सीट मिली है, पर तब भी मैं लेट ही हुई थी। उसके बाद मैं सीधा रामनगर में अपनी आँखें खोली, उसके बाद थकान इतनी भयंकर लगी थी। आए खाए पिए, फिर मैं एडिट पर लगी, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग एडिट नहीं किया था, वो आ रखी थी, तो हम ऐसे ही हो गए थे मस्त। तो अभी तो हाल फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पीरू मदारा में, फिर से नानी रुके हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलेंगे आपको अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।